Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to PSL 9 special presented to you by Cadbury Dairy Milk and powered by Cola Next. Well, finally league matches apne ikhtitam par aa gaye hain aur playoffs ka time shuru ho gaya. Bas Monday break so aaj koi match nahi khela jayega. Multan Sultans and baaki teams ko bhi bata rahe hain ki wo Sultans hain is waqt PSL ke table topper abhi bilkul top pe aur you know they're really enjoying that and retaining their first position. Ek bahut hi one sided match khela gaya tha unke aur Quetta Gladiators खैर आज तो ब्रेक डे है एंड ब्रेक डे के बाद वी विल स्टार्ट विद द क्वालिफायर फर्स्ट टू टॉप टीम्स के बीच में होगी जंग यू नो आप तो जल्दी से हमको बताते कौन सी टीम्स होंगी जी मुल्तान सुल्तान्स अजीज़ नंबर वन वो लोग हेड टू हेड होंगे पेशावर ज़ल्मी के साथ ठीक है सो ये तो हो गया क्वालिफायर फिर दूसरा अगले दिन मतलब फ्राइडे को जुम्मे को खेला जाएगा एलिमिनेटर और उस एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स होंगे आमने सामने दीज आर द टॉप फोर टीम्स और बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है Of course, you know, Islamabad United and Quetta Gladiators, they will have to give their best. Because jo hara, unko phir koi aur chance nahi milega. They are out. Well, let's discuss that. Hamare analyst hamare saath maujood hai. Jaldi se introduce kar lete hain. Hamare saath hai former Test cricketer Sikandar Bhatt. Former Test cricketer Abdul Razak ne hame join kiya hai. Pakistan women cricket team ki all-rounder Kainat Imtiaz and senior sports journalist Abdul Majid Bachchi Razak. I think aap sabse pehle aapke paas aate hain. I mean, yesterday's match, one-sided affair. Quetta Gladiators ko bilkul outclass kar diya. Multan Sultans and Quetta Gladiators teenon departments mein bilkul impress kar nahi paaye. To unko ab ये अगर जाना है और PSL जीतना है तो उनको बहुत सारी चीज़ें रीथिंक करनी पड़ेंगी अपनी बॉलिंग डिपार्टमेंट एज वेल एंड मेकिंग द राइट डिसीजन व्हेन यू विन द टॉस की बात ये है कि इतने सालों से सारी ये टीमें खेल रही हैं मैनेजमेंट के लोग वही हैं और कुछ जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो प्रेफर करते हैं फर्स्ट बॉलिंग और हमने देखा कराची में जो पहले बैटिंग करती है वो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं मैच जीतने के हमने भी रिसेंटली पेशावर को देखा है 147 किया है ठीक है वो पिच जैसी भी थी पर उन्होंने वो भी उसको डिफेंड कर लिया बड़े आराम से तो ये इनको भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी इतनी इनकी डेप्थ है इतना अच्छा ये इनके बैटिंग ऑर्डर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दी मुल्तान को कि आप जो है वो पहले बैटिंग करें और जो मैच जो है मैं समझता हूँ टॉस की वजह से थोड़ा सा खराब हुआ और जिस तरह की पावर हिटिंग मुल्तान की तरफ से हुई है मैं समझता हूँ ये है असल जो कॉम्बिनेशन होता है T20 का कि आप ऊपर से 150 के स्ट्राइक से खेलें और जो मिडल ऑर्डर है वो 200 और 180 के स्ट्राइक से खेलें तो आप एक अच्छा टोटल सेट कर सकते एंड बिल्कुल बहुत बड़ी शिकस्त 79 रन से मुल्तान सुल्तान ये मैच जीता था ऑफकोर्स हम आपको साथ साथ अपडेट भी दे रहे हैं कि जो मैच कल खेला गया था एंड सिको आई थिंक जो रजाक कह रहे हैं जो मैंने पूछा भी था आई थिंक टॉस डेली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल लेकिन ट्रिकी पिच थी सो बट थोड़े से सवाल तो उस टाइम ही उठा लिए थे कमेंटेटर्स ने पूछा कि शायद राइली रूसो डिड नॉट मेक द राइट डिसीजन टू बोल फर्स्ट मैंने तो पहली ओवर में स्पिनर को ना स्पिन भी करते हुए देखा था कितना बड़ा स्पिन हो मैं कह यार ये तो पिच मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 55 टू 60 कि 155-160 होंगे मगर नीचे आके जो है ना कुछ लड़के अच्छा खेल गए इफ्तिखार एज यूजुअल और मैं यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टर्स को जो भी कप्तान बने अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि शाहीन को हटा रहे हैं कोई और आ रहे हैं खबरें तो हम पढ़ रहे हैं जो भी कप्तान बने और जो स्टाफ हो कोचिंग वो इफ्तिखार को ज़रूर एक अच्छी पोजीशन दे उस बेचारे के साथ जो है हमने नोट किया है कि आप हमेशा मैं जिक्र करता हूँ बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे कभी शाहीन ऊपर चले जाता है कभी नवाज़ ऊपर चले जाते हैं उस बेचारे को नीचे को उसको बनने दें उसको बनाएं उसमें अभी तक जितना मतलब वो पावरफुल खेल रहा है हमारे जितने भी लड़के हैं उनमें सबसे अच्छा लग रहा है पावर हिटिंग के अंदर वो सबसे अच्छा लग रहा है और मेरे ख्याल से उसको हमने बनाना चाहिए उसने भी बड़े अच्छा कंट्रीब्यूट किया कल चार्ल्स ने बड़ा अच्छा 53 कर दिया वरना रिजवान एज यूजुअल 69 के 14 ओवर खेले 14 ओवर्स एंड ही स्कोर 69 चलें वो अपना एक सेटल करते हुए जाते हैं मगर मैंने पहले भी कहा है ये दोनों ओपनर्स को चाहिए कि आखिरी एक वक्त आ जाए ना 11-12 ओवर उसके बाद वो शुरू हो जाए मैं उस वक्त भी ये कह रहा था यार ये चालू हो जाए मतलब शुरू हो जाए ताकि दूसरे भी कंट्रीब्यूट कर सकें आकर एनीवे कल भी मैंने कहा था कि क्वेटा वाले जो हैं उनकी मिडिल ऑर्डर में कुछ नहीं है और कल यही हुआ कि बिल्कुल ही बेचारे कोलैप्स कर गए बट नॉट ऑल इज लॉस्ट बिकॉज बहुत वन साइडेड पहले मैच हो खत्म हो गया एंड अब एग्जैक्टली एंड यू एक्सपेक्ट लाइक आई मीन दो इट्स अ लीग मैच बट यू एक्सपेक्ट कि नेल बाइटिंग मैच हो थोड़ा सा थ्रिलर हो पिछले तीन मैच बड़े जबरदस्त टू गुड पिछले तीन और ये आखिरी वाला मैच बेचारा बिल्कुल फ्लैट बट देन इट्स अ गुड वेक अप कॉल फॉर नहीं बिल्कुल कायनात आई थिंक इट यू नो इट्स नॉट मतलब ऑल ओवर फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स दे हैव अ चांस और वो आ सकते हैं दे हैव अ चांस टू विन पीएसएल एज वेल
मगर कल की ट्रिकी पिच पे यू नो आई वुड गिव क्रेडिट टू मोहम्मद रिजवान जो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे एंड ऑफकोर्स जॉनसन चार्ल्स दे बोथ set the tone for Peshawar, for Multan Sultans. वहाँ पे अभी भी वन मैन आर्मी चल रही है. बाबर हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, साइम किसी में कर रहे हैं किसी में नहीं कर रहे हैं. नीचे से जो प्लेयर्स हैं आमिर जमाल हो गए, हसीबुल्ला हो गए, वो उस फॉर्म में अभी भी नजर नहीं है थ्रू आउट द PSL जो मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं. तो अभी भी मुझे लगता है कि नेल बैटिंग मैच जरूर होगा. इट विल बी अबाउट द नर्व्स बट मुल्तान सुल्तान हैज अ बेटर चांस ऑफ विनिंग दिस गेम अगेन. वेल यस एब्सोल्युटली कायनात, अब जैसे कह रही मुल्तान सुल्तान लुक्स लाइक अ बेटर टीम, बट अब देखना है कि कल कौन अपने नर्व्स को सही तरह हैंडल करेगा. बट थैंक यू सो मच एनालिस्ट, हम मिलेंगे कल जब फर्स्ट क्वालिफायर मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान. वी विश देम बोथ गुड लक. और आप लोग सबका भी बहुत शुक्रिया. विल सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़.